हेलो एवरीवन, आई एम पवन सर, एक बार फिर आपके सामने। आज हम अकाउंट में जनरल एंट्रीज के बारे में आगे करेंगे, न्यूमेरिकल्स। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था एंट्रीज कैसे की जाती है, तो एंट्रीज कैसे करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स हैं, उसके बारे में आपको बताया था। आज हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने की कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है। तो आज हम जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें कंडीशंस ये है कि आज यहाँ पर जो शेयर्स हैं मतलब अंश, वो सम मूल्य पर उनकी एंट्री की जाएगी, मतलब कि एट पर वैल्यू पर किस प्रकार से एंट्री करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताऊं आपको, जैसे एक कंपनी ने जनता में ₹10 अंकित मूल्य वाले 5000 समता अंशों को जारी किया और जनता से ₹10 प्रति अंश अंकित मूल्य पर राशि प्राप्त हुई। तो जो अंकित मूल्य है वो हमारा ₹10 था और जनता से भी ₹10 प्रति अंश के ही आधार पर आपको पैसा प्राप्त हुआ। तो जो आधार है वही हमारा अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य कैसा है, बराबर। तो आइए हम सवाल देखते हैं और समझते हैं। सवाल इस प्रकार से है, सोनाक्षी लिमिटेड ने ₹100 वाले 12000 अंश जारी किए। एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी हम एंट्रीज करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम छोटा सा रबर करेंगे ताकि वहां पे हम हर एक मेन टॉपिक को लिख सकें, ताकि हमें याद रहे कि हम किस प्रकार से एंट्री को करना है। तो सोनाक्षी लिमिटेड ने ₹100 मूल्य वाले 12000 अंश जारी किए। इस संबंध में ₹20 आवेदन पर, ₹40 आवंटन पर और ₹40 शेष प्रथम अंतिम याचना पर दे। अब सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं, कंपनी पुस्तकों में आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम सवाल को प्रॉपरली जमाएंगे ताकि हम अच्छे से वो याद रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ईच ऑफ एक अंश कितने रुपए का है, 100। हमने यहाँ पे जनता में जारी किए अंश इश्यू शेयर्स 12000। अब हमने इस 100 रुपीज को डिवाइड कर रखा हुआ न्यूमेरिकल्स के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन पे आपको दिया हुआ है 20 रुपीज, अलॉटमेंट में 40 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसमें भी आपको दिया हुआ है 40 रुपीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस 100 रुपीज को उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है, 20, 40 एंड 40 इक्वल 100। अब हम इसमें न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है कि 12000 शेयर्स हमारे, अब इस पे हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे ऊपर हम पहले कंपनी का नाम लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है, सोनाक्षी लिमिटेड। सबसे ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सोनाक्षी लिमिटेड। हमें करना है जर्नल एंट्रीज। कॉलम 5 बनाए जाते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट का। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे, हर एक की एंट्री कितनी होनी है, 2 होनी है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की होगी, रिसीव की। अमाउंट जो भी रिसीव होगी, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है, किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन ट्रांजेक्शन किसका हुआ, मनी रिसीव का हुआ। सो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री भी अलॉटमेंट एप्लीकेशन की होगी, किस देश पे होगी, वो ट्रांसफर पे होगी। सेकेंड एंट्री हम करेंगे ट्रांसफर की, एप्लीकेशन की, जो लिखा हुआ है क्रेडिट के अंदर वो आ गया डेबिट के अंदर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखेंगे हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
डायरेक्शन क्या करा हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे अमाउंट को ट्रांसफर किया एप्लीकेशन की, तो बैंक से एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे एंट्री एप्लीकेशन के हो गए, रिसीप्ट के हो, ट्रांसफर की। अब इसमें हम अमाउंट को सेट करेंगे। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 20 रुपीज की। शेयर कितने इशू किए थे, 12,000, और उसी के आपके अमाउंट रिसीव हो गई। तो यहाँ पे हम 20 में 12 का इंटू करेंगे तो आएगा 2,40,000। ये हमारी अमाउंट बैंक में रिसीव हो गई, और जो रिसीव हुई है वही हमारी ट्रांसफर हुई है। क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कुछ लॉस हुआ है, एडजस्टमेंट हुआ, एडवांस, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, सेम है, सिंपल है। जिस प्राइस पे हमने इश्यू किया था उस प्राइस पे हमें रिसीव हुई, बगैर किसी प्रॉब्लम। अब हम आगे चलेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। दो एंट्री अलॉटमेंट की भी होंगी। फर्स्ट हम ड्यू की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। ड्यू होने के बाद फिर अलॉटमेंट की एंट्री होगी रिसीव की। रिसीव मतलब बैंक के थ्रू होगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ड्यू में जो अलॉटमेंट डेबिट में लिखा था वो हमारे पास रिसीव में कहां पर आ गया, क्रेडिट में आ गया। आप नरेशन, नरेशन कॉमन है सभी का, रिसीव आएगा, बस आपको वहां पे जिस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव होगी उसका आपको नेम चेंज करना है। सो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहां पर हमें अलॉटमेंट की मनी क्या हुई है, रिसीव हुई। अब अमाउंट हम इसके सेंड करेंगे। अलॉटमेंट आपको 40 रुपीज का दिया है और शेयर कितने, 12,000। तो अलॉटमेंट हमारे पास 40 रुपीज का है और शेयर है कितने, 12,000। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई है 4,80,000। तो ये फॉर लाइक 80,000 आपकी अमाउंट हो गई है। जो हम ड्यू कर रहे थे वही है, ना कुछ एरियर्स हुआ, ना एडवांस है, कुछ भी नहीं। सिंपल अमाउंट हमने यहाँ पर ड्यू करने के बाद वही अमाउंट हमें हमारे अकाउंट में क्या हुई है, रिसीव हो गई है। आप इसी प्रकार से लास्ट जो हमारे इंस्टॉलमेंट हुई है किसकी, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है। तो इस लास्ट अमाउंट की भी सेम एंट्री होंगी, दो होंगी, मतलब ड्यू और रिसीव की। एंट्री नंबर फिफ्थ, ड्यू की एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम ड्यू का लिखेंगे, जो हमने अलॉटमेंट का लिखा हुआ था, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसी प्रकार से हम लास्ट एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की किसकी होगी, रिसीव की होगी। अमाउंट रिसीव किससे होती है, बैंक के थ्रू चलता ट्रांजेक्शन। तो यहां पर हम आएंगे रिसीव की, आपने तो देख चुके हैं एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की कॉमन है। सो गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट कॉल की रिसीप्ट की एंट्री हुई। अब हमारा इसमें नरेशन, सो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री के बाद हमें अमाउंट्स मिलवानी है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉल कितने की है, 40 रुपीज की है, 40 रुपीज की फर्स्ट कॉल है और 12,000 हमारे इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट रिसीव होगी 4,80,000 बैंक के थ्रू। पहले हम ड्यू कर रहे हैं, अब जो ड्यू हुई है वही हम रिसीव होगी बैंक के थ्रू 4,80,000। तो बहुत सिंपल एंट्री थी, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितने में हमने सेल्स पे इश्यू किया हुआ था उसकी फेस वैल्यू पर उसी पे हमें रिसीव हुए हैं। अब आपको सबसे बाद में ध्यान देना है, जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद हमें लास्ट में सबसे बाहर हम आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। मतलब हमें बैंक से टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है। तो आप फर्स्ट एंट्री में रिसीव हुए हैं टोटल 40,000, फोर्थ एंट्री में रिसीव हुआ है 480,000 और एंट्री नंबर 6 में रिसीव हुआ 480,000। इन तीन ही बैंक के अमाउंट को इसमें प्लस करके लिखेंगे और बताएंगे कि टोटल हमें बैंक से कितना रिसीव हुआ है। तो जो एंट्री दी हुई है बैंक वाली जो अमाउंट थी उसको हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उसे हम टोटल में बाहर लिखेंगे मतलब रिसीव फ्रॉम बैंक में। तो यहां पर हम आए, हमने अमाउंट को प्लस करा, प्लस करने के बाद हमारे पास अमाउंट हो गई है 12,00,000 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हुआ है, काफी सिंपल एंट्री थी, आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा फेस वैल्यू के अलावा और प्रीमियम की एंट्री कैसे होती है, कॉल एरियर्स की एडवांस की एंट्री क्या होती है, किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन, हर एक प्रॉपरली आपको हर वीडियो में हर एक एंट्री के बारे में बताया जाए। सो गाइस आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आपको काफी अच्छी वीडियो लगी होगी, इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड और साथ में शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस।